आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की बात में आते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आपका पहले से नॉर्मल अकाउंट है तो उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट के काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको मंथली कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, साथ साथ आपका जो वीडियो या फोटो अपलोड करने का समय है, जो बेस्ट टाइम है, जिस टाइम आपका वायरल हो सकता है वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम में अपलोड करके आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो काफी सारी ऐसी सेटिंग है जिससे आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे राइट की तरफ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये एक नॉर्मल अकाउंट है, यानी कि पर्सनल अकाउंट है, इसको मैं प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करूंगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ऊपर राइट की तरफ थ्री डॉट में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिल जाती है, अकाउंट प्राइवेसी, सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट प्राइवेसी कर रखा है तो आपको पब्लिक कर देना है, क्योंकि जब आप पब्लिक करेंगे तभी आपका प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा। यहाँ पर आपका ऑन होगा तो इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद सिंपली से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अकाउंट टाइप एंड टूल्स, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैटेगरी है आपके यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में अपना कॉन्टेंट डालते हैं, यानी कि आप ब्लॉग बनाते हैं या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या फिर हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड। तो आप जिस भी कैटेगरी की वीडियो बनाते हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये काफी इम्पोर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी वीडियो सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाता हूँ टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएटर का, नीचे देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस का। अगर आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, किसी भी टाइप की वीडियो हो या फिर फोटो अपलोड करते हैं, तो आपको क्रिएटर सिलेक्ट करके रखना है। अदरवाइज आप बाय सेल करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट बाय सेल करते हैं या फिर किसी चीज का ऐड करते हैं या फिर आपकी कोई दुकान है, तो आप बिजनेस वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर वीडियो डालता हूँ तो मैं क्रिएटर वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये स्टेप फॉलो करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 5 स्टेप पहले से फॉलो है, मतलब आपको इसमें क्लिक करना है, जो भी आपका बोल रहा है ऊपर होके आपको इस तरह से कर देना है यहाँ पर। तो ये 5 मेरे कंप्लीट है, सिंपली से एक बचा है तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्रिएट पोस्ट में क्लिक करना है। कोई एक भी पोस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, यानी कि पब्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, आपको पूरा बैक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो बन के तैयार हो चुका है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी सेटिंग आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट इंगेज और उसके बाद टोटल फॉलोअर्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। अभी आपने अकाउंट बनाया प्रोफेशनल, 2 से 3 दिन तक आप वेट करेंगे तो सारी आपकी सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल से की मदद से अपने इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं, जो कि काफी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।